टोटली जो प्रोजेक्ट है वो हमने सेल कर दिया सोल्ड आउट है तो री सेल में कुछ ऑप्शंस हैं तो वो भी जब आप विजिट करेंगे खा वो फेज़ वन हो या फेज़ टू हो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किसी किस्म की कोताही नहीं की तो बड़ा बेहतरीन चल रहा है और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है रियलिस्टिक उसकी जो वैल्यू थी उससे डाउन है यानी जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है जी असल व्यवर्ज मैं हम फरहाद इकबाल फ्राम बिलीनियस प्रॉपर्टीज़ एंड मिल्ट्री स्टेट डी एच लाहौर और व्यूर्स जैसा कि आपको पता है कि हम आपको आ, वक्तन वक्तन डीएचए और बरकी रोड की बरकी रोड लाहौर की जो आप कह लें कि लैंड्स की जो सेल परचेज़ है उसके बारे में आपको गाइड करते रहते हैं तो अभी भी एक एक, एक आप कह लें कि ड्यूरेशन के बाद एक लिमिटेड से ड्यूरेशन के बाद दोबारा आपके आपके पास हम आए हैं जिसमें आज जो वीडियो का पर्पज़ है इसमें हम आपको बताएँगे कि इस टाइम बरकी सिचुएशन क्या चल रही है यानी जो जो प्राइसेस का ओवर ओवरऑल एक स्लंप आया है पिछले कोई फोर टू सिक्स में तो क्या उसमें जो बर्की जो बरकी रोड की बाइंग सेलिंग है उस भी कोई फर्क आया है या उसमें नहीं आया तो इस वीडियो में हम आपको जो अपने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं खासकर फार्मर्स फार्म उसके बारे में भी बताएंगे और जो ओवरऑल मार्केट सिचुएशन है उसको भी डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले तो ये जो बात जिसमें मैंने अभी आपको बताई कि चार से छह महीने में ओवरऑल प्रॉपर्टी में स्लंप रहा

ऑलमोस्ट कनेक्टेड है उसकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल डीएचए के साथ से ही है तो इसलिए जब डीएचए पे अभी जो चूँकि एक ओवरऑल एक स्लम्प वाला इन्वायरमेंट है तो उसका जो एक इम्पैक्ट है जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बरकी रोड पे भी पड़ा है तो ओवरऑल अभी पिछले कुछ दो तीन चार महीनों से बरकी रोड पे जो बाइंग बाइंग सेलिंग वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा कम है चूँकि जब डी में बाइंग कम हो रही है और इन्वेस्टर का या जो जैन कस्टमर है या जो एंड यूज़र है जब उसका रुझान कम हुआ है तो डेफिनेटली उसका जो एक इम्पैक्ट है वो यहाँ इस साइड पर भी आया है बाकी प्राइसिस का जो है उसमें जिस तरह डी में कुछ रेट डाउन हुए हैं जिस तरह भरकी रोड पर भी रेट डाउन हुए हैं खाओ कोई भी प्रोजेक्ट हो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं भरखी रोड पे आ, तो उन सब सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो जो बाइंग का जो प्रोसेस था वो काफ़ी आप कह लें कि उसको फ़र्क पड़ा है सेम स्नैरियो यानी जिस प्राइस फेज सेवन में फेज सिक्स में स्टेबल uh, हुई हैं या कुछ डाउन हुई हैं यही सिचुएशन uh, जिस तरह यानी अगर डी एच ए में मुख्तलिफ फेजेस हैं तो बरकी रोड पर भी जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सारों पर ये फ़र्क पड़ा है और ये बड़ी एक रियलिस्टिक सी बात है इस पर मैं नहीं समझता कि कोई भी दो राय होंगी क्योंकि देखें जब ओवरऑल जब तेज़ी आती है तो उस तेज़ी का जो एक आप कह लेंगे जो उसका इम्प्लीमेंट होता है वो फिर खा वो फाइल्स हों वो कमर्शल प्रॉपर्टी हो खा वो रेजिडेंशल प्रॉपर्टी हो खा वो छोटी आ, आ, कटिंग हो या बड़ी कटिंग हो तो उस पर फ़र्क पड़ता है हालाँकि अभी बरकी रोड पर जो डिवेलपमेंट का प्रोसेस है खा वो उसका रोड जो वाइड हुआ या जो ओवरऑल एक बड़ा बेहतरीन गवर्नमेंट के तरफ से इस तरफ आप कह लेंगे जो डेवलपमेंट वाला वर्क हुआ है खा वो रोड की शक्ल में है जो ओवरऑल उन्होंने बेहतरी की है तो डेवलपमेंट तो बहुत बेहतर की है और बरकी रोड पिछले दो चार पाँच सालों में काम भी बहुत हुआ है लेकिन इस टाइम जो सिचुएशन ये है कि वो आप कह लेंगे कि वहाँ जो प्राइस है वो डाउन है तो एक बड़ा अच्छा टाइम भी होता है अभी जिस तरह जब तेज़ी होती है तो फिर बायर को मुश्किल से ही कुछ चीज़ आप कह लें कि मिलती है क्योंकि रेट्स ऊपर जा रहे होते हैं और जो तो उसी वजह से जो सेलर हैं जो बेचने वाले होते हैं वो भी थोड़ा सा आप कह लेंगे टफ

तो ये तो जस्ट एक ओवरऑल जो मार्केट की सिचुएशन थी पिछले को दो चार महीनों से उसको थोड़ा सा हमने एनालिसिस किया है और इसमें ये हमने बताया कि इसका जो इम्पैक्ट है स्लो मार्केट का वो बर्की रोड पे भी आया है बाकी जो हमारे अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं जो फार्मर्स के हमारे फेज़ वन है फेज़ टू है या जो एग्जेक्टिव लॉजिज़ है जो भी दो चार महीने से हमने उसकी डिवेलपमेंट का प्रोसेस किया एग्जेक्टिव लॉजिज़ का वो बड़ा बेहतरीन चल रहा है और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है अभी जैसा अभी आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि बीआरबी से पहले वाला जो लेफ्ट पे रोड है ये रोड अभी हमने वाइट कर दी है पहले ये रोड नैरो था और इसको हमने बेहतरीन तरीके से इसको अभी वाइट कर दिया और अभी इसका सून इसके रोड के ऊपर सोलर सिस्टम लाइट वाला सिस्टम इस पर हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और इसकी जो एक्सेस है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी और जो जिसका कारपेटिंग का प्रोसेस है वो भी हो जाएगा जो अंदर का जिस अभी वीडियोस में आप देख रहे हैं कि जो एग्जैक्टिव एग्जैक्टोलॉजी का जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमने डिवेलप कर दिया जस्ट कारपेटिंग रहती है प्लानेशन हो चुकी है और स्ट्रीट पोल भी अभी हम लगा देंगे तो ये ये जो प्रोजेक्ट है ये इसकी खासियत ये है इसकी खास बात यह है कि ये बी नहर से पहले है तो जितने भी फार्म हाउसेज़ के जो जिन्होंने बाइंग की हुई है या जो बाइंग करना चाहते हैं या जिन्होंने बरकी रोड का सर्वे किया हुआ है वो इस बात से एग्री एग्री करेंगे कि ये एक वाहद प्रोजेक्ट है या आप कह लेंगे सेकेंड प्रोजेक्ट है जो बी आर बी से नहर से पहले है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग बी आर बी क्रॉस नहीं करना चाहते लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर वो अपना एक लग्जरी घर बनाना चाहते हैं तो एक्जेक्टिव लॉजिस को जरूर विजिट करें इसकी जो अप्रोच है वो बी आर बी नहर से बिल्कुल पहले लेफ्ट साइड पर एक रोड टर्न कर रहा है ऑलमोस्ट जो बी आर बी से कनेक्टेड है बी से पहले लेफ्ट साइड पर उस रोड को आपने फॉलो करना है तकरीबन एक से डेढ़ किलोमीटर आपने आगे जाना है जो भी हम आने वाले कुछ दिनों में इसको कारपेट कर देंगे तो डेढ़ तकरीबन एक से डेढ़ किलोमीटर के फासले पे ये लेफ्ट साइड पे ये प्रोजेक्ट है और ये फेसिंग बी आर बी है तो तकरीबन पौने दो सौ से दो सौ कनाल का ये प्रोजेक्ट है अंदर का इन्वायरमेंट आप देख लेंगे पचास से पचपन प्लॉट हैं और जो प्राइस हैं वो भी एक करोड़ दस लाख पर कनाल रेट है और इसमें तकरीबन कोई छः महीने का पेमेंट प्लान है सेम जो हमारे दूसरे प्रोजेक्ट हैं जिसमें फ़ेज़ वन फार्मर्स है या फेज़ टू फार्मर्स है वो तो, तो टोटली हमारे डिवेलप प्रोजेक्ट हैं उसमें कुछ री में ऑप्शन हैं वहाँ भी जैसा मैंने अभी अपनी स्टार्ट में वीडियो में बताया था कि बाइंग सेलिंग का अमल चूँकि हर जगह पर स्लो है तो यहाँ पर डेफिनेटली स्लो है लेकिन जो भी इस टाइम हमारे पास अवेलेबल है, वो कम है तो आप कह लेंगे जो फेज वन में इस टाइम जो बाइंग सेलिंग हो रही है वो फोर्टी से लेके सिक्सटी लैख पर कनाल तक हो रही है फेज वन में और इस टाइम भी लिमिटेड ऑप्शन है जिसमें मिनिमम दो कनाल और मैक्सिमम आठ से दस कनाल का प्लॉट अवेलेबल है जो जो फेज़ टू है उसमें अभी जो मिनिमम रेट है वो 60 लाख से 65 फाइव लैख और जो मैक्सिमम रेट है वो अराउंड 75 80 85 एटी लैख तक जाता है एज़ पर लोकेशन फ़ेज़ टू में हम कुछ जगह मज़दीद अभी एड ऑन करेंगे उसका जो रेट होगा एक्सपेक्टेड वो 90 लाख पर कनाल होगा और अलहमदुल्ला में फ़ेज़ टू का बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है फेज़ वन हमारा थोड़ा पुराना प्रोजेक्ट था उसको भी हमने सेल किया लेकिन फेज़ टू का जो रिस्पॉन्स था दैट वॉज अमेजिंग और अलहमदिल्ला हमारे पास अभी टोटल जो टोटली जो प्रोजेक्ट है वो हमने सेल कर दिया सोल्ड आउट है री सेल में कुछ ऑप्शन हैं तो वो भी जब आप विजिट करेंगे खा वो फेज़ वन हो या फेज़ टू हो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किसी किस्म की कोताही नहीं की बेहतरीन इन्वायरमेंट है लोग रायश रायशी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने फार्म हाउसेज बना रहे हैं तो जिन्होंने विजिट करना है वो विजिट करेंगे विजिट करेंगे तो उनको आइडिया होगा कि बेहतरीन प्रोजेक्ट है और जो इसकी एक्सेस है बड़ी ज़बरदस्त है मेन से ईजिएस्ट अप्रोच uh, है इसकी uh, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो हमसे रबा कर सकते हैं बल्कि बरकी रोड पर या डी में किसी किस्म की आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है आप uh, किसी भी टाइप आप हमसे कॉन्टेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर सो थैंक यू सो मच और इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ था वो ओवरऑल जो पिछले दो चार महीनों की जो uh, आप कह लेंगे मार्केट की सचुएशन थी उसको भी डिस्कस करना था और डी एच ए को और बरकी रोड के प्रोजेक्ट्स को भी डिस्कस करना था थैंक यू